छोटे छोटे रोल्स निभाकर अपनी पहचान कायम रखना वह भी 5 दशकों तक कोई आसान काम नहीं है। उससे भी बड़ी बात है इस पहचान को हर दौर के नौजवानों के दिलों में बनाए रखना। इतने सालों तक खुद को फिट बनाए रखना और उसी जोश व जुनून से काम करना किसी मिसाल से कम नहीं है। एक ऐसे ही एक्टर हैं शरद सक्सेना, जो अपने निगेटिव व करेक्टर रोल्स के लिए जाने जाते हैं। डैनी मेरा भाई है, मेरा बच्चा का माफिक है। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तेरा अक्का फैमिली को जान से मार डालेगा, समझा? अगर हजारों लोगों के सामने उसने मुझे जान से मारने का चैलेंज किया है तो मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम, जल्दी से मेरा ये चेक क्लियर करवा दीजिए। अरे वाह के जी, करोड़ों में होटल बेचा, पूरी दुनिया को मिठाई खिलाई। और सच सच बता, तू गांधी के बारे में क्या जानता है? बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। उम्र के इस पड़ाव पर भी शरद सक्सेना काफी फिट नजर आते हैं। आजकल के एक्टर भी उनकी पर्सनैलिटी के कायल हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे शरद सक्सेना जी की लाइफ और करियर से जुड़ी तमाम बातों के बारे में, इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई पहुंचकर अपनी पहचान बनाने वाले शरद सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था, जो कि अब जिला बन चुका है। शरद सक्सेना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल भोपाल से की थी। इसके बाद वे जबलपुर चले गए और वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शरद अपने कॉलेज के दिनों से ही कल्चरल प्रोग्राम्स से जुड़े थे और उनका सपना था कि वे एक एक्टर बने, इसलिए जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म हुई वे अपने पिता से इजाजत लेकर मुंबई जा पहुंचे। हालांकि शरद वहां पहुंच तो गए लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काफी संघर्ष करना पड़ा, जैसा कि दूसरे शहरों से आए हर कलाकार को मुंबई में करना पड़ता है। खास तौर पर यह संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब फिल्म इंडस्ट्री में आपकी कोई जान पहचान ना हो। एक इंटरव्यू में शरद सक्सेना ने अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में बात करते हुए कहा था कि जब मैं अपने आप को शीशे में देखता था तो सोचता था कि मैं कितना हैंडसम हूँ। बस यही बेवकूफी मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं हीरो टाइप मटेरियल हूँ। और जब पापा को कहा कि मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ तो वे बोले कि चुपचाप पढ़ाई करो। खैर, इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एक दिन शरद ने अपने पिता से एक्टिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा तो इस बार उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पास डिग्री है, अब जो चाहे वो कर सकते हो। इसके बाद शरद मुंबई आ गए, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि फिल्मों में काम मिलना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक कंपनी में नौकरी कर ली और 1 महीने के बाद ही उन्होंने एक कैमरा खरीद लिया। शरद के दोस्त थे जो फोटोग्राफी का काम किया करते थे। एक दिन उन्हें धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र की फोटो खींचने जाना था, शरद भी उनके साथ वहाँ चले गए। उन्होंने शरद को देखकर पूछा कि क्या तुम भी एक्टर बनना चाहते हो? शरद ने कहा हाँ सर, इरादा तो है। उसके बाद वीरेंद्र जी ने शरद की फोटोज मंगवाई और अपने प्रोड्यूसर को दिखाई और इस तरह शरद को पहला रोल मिल गया। अब शरद अपने इस काम की तस्वीरें लेकर स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे और जल्द ही उन्हें फिल्म मेकर रमेश बहल के यहाँ काम मिल गया। इसी दौरान शरद की पहचान राइटर जोड़ी सलीम जावेद से हो गई और राइटर सलीम जी ने शरद को फिल्म काला पत्थर में धन्ना का रोल दिलवा दिया। इसके बाद उन लोगों ने ही कई सारी फिल्मों में शरद को काम दिलवाया। शरद आज भी उनकी मेहरबानियों को भूल नहीं पाए हैं। पर्दे पर शरद सक्सेना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत नरेंद्र बेदी के डायरेक्शन में बनी अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बेनाम से की थी। साल 1974 में आई यह फिल्म शरद की सबसे पहली रिलीज फिल्म थी और इस पहली फिल्म में दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। इसके बाद शरद ने एजेंट विनोद, काला पत्थर, तराना, शान, शक्ति, पुकार, बॉक्सर, शहंशाह, थानेदार, त्रिदेव, खिलाड़ी, घायल, जोश जैसी ढेरों फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम करते रहे। इसके बाद आई भटकैम और आमिर खान की फिल्म गुलाम, जिसके बाद शरद सक्सेना को दमदार रोल मिलने शुरू हो गए। हालांकि तब भी ज्यादातर किरदार साइड विलन के ही हुआ करते थे, लेकिन पहले की तरह बस फाइट और मरने मारने वाले रोल से कहीं बेहतर थे। इस दौरान उन्हें फिल्म साथिया में एक डिफरेंट रोल मिला, जिसके बाद यह सबको यकीन हो गया कि शरद हर तरह के रोल निभा सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि दर्शक भी उन्हें हर रोल में एक्सेप्ट कर लेते थे। इस दौरान उन्होंने गुप्त, भगवान, कृष्ण, फना, रेडी, बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान, दबंग 3, प्यार के साइड इफेक्ट्स, फिर हेरा फेरी, वा लाइफ हो तो ऐसी और तुमको भूल ना पाएंगे सहित कई फिल्मों में काम किया जो अभी तक जारी है। साल 2021 में आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी में भी शरद एक दमदार रोल में नजर आए थे। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 50 सालों से काम कर रहे शरद सभी भाषाओं को मिलाकर 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी भाषा में भी फिल्में की हैं। साथ ही शरद सक्सेना कई टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। शरद ने बीआर चोपड़ा के एपिक टीवी सीरियल महाभारत में कीचक का किरदार निभाया था, जो बहुत ही मशहूर हुआ था। अपने नेगेटिव किरदारों के लिए मशहूर शरद सक्सेना ने कई फिल्मों में कॉमेडी भी की है,
और दर्शकों को हंसाने में भी सफल रहे हैं। सोल्जर, बागवान, क्रिस, बजरंगी भाईजान सहित कई फिल्में हैं जिसमें शरद का किरदार कॉमिक अंदाज लिए हुए था। मिस्टर इंडिया के डागा और फिर हेरा फेरी के तोतला सेठ जैसे किरदार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि शरद को इस बात का मलाल है कि उन्हें ज्यादातर मारपीट के ही सीन मिलते थे और लगभग 3 दशकों तक मजबूरन अपना परिवार चलाने के लिए उन्हें ऐसे ही रोल एक्सेप्ट करने पड़े। एक इंटरव्यू में शरद ने कहा था कि बॉलीवुड में मुझे जो मुकाम मिलना चाहिए था वो ना मिल सका। मैं हट्टा कट्टा था तो मुझे एक्शन रोल अधिक मिले और फिल्मों में मैं पंचिंग बैग की तरह ही इस्तेमाल होता था। हीरो आते मुझे पीट कर चले जाते। उन्होंने बताया कि उस जमाने में अगर कोई कसरत कर लेता था या फिर बॉडी बना लेता था तो लोग उसे लेबर क्लास समझा करते थे। वो ना एक्टर बन सकता था, ना तो राइटर और ना ही कुछ और। वो सिर्फ फिल्मों में फाइटर बन सकता था। हमने भी काफी एक्सरसाइज करी थी, इसलिए प्रोड्यूसर्स को हमारे अंदर एक्टर नहीं, फाइटर या जूनियर आर्टिस्ट ही नजर आता था। उन्होंने बताया कि हमने कुछ 30 साल तक एक्शन का काम किया। जब एक्टिंग की बात आती थी तो हमें सिर्फ यही डायलॉग मिलते थे, यस बॉस, जी बॉस, सॉरी बॉस, माफ कर दीजिए बॉस। करीबन 30 साल ऐसा ही डायलॉग बोले। फिर जब बूढ़े हुए और बाल सफेद हो गए तब साथिया मूवी में हीरोइन के पिता का रोल मिला। बस इसी के बाद से फाइटर से एक्टर तक मेरे कदम बढ़े। दोस्तों, शरद सक्सेना को फिल्म इंडस्ट्री से एक शिकायत यह भी है कि इंडस्ट्री में बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है और हम काम चाहते हैं। बुजुर्गों को ध्यान में रखकर जो अच्छे रोल लिखे जाते हैं वो अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ही लिखे जाते हैं। जो खुर्चन बस्ती है वो हमारे हिस्से आती है और अगर उसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास काम नहीं बचता है। दोस्तों, शरद के करियर में अमर खान की गुलाम एक खास फिल्म है। इस फिल्म ने विलन के रोल के लिए शरद को फिल्म फेयर की ओर से नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है जो जुड़ा है उस जमाने में सबसे कम पैसे देने के लिए चर्चित प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और शरद सक्सेना से। दरअसल बात उस समय की है जब आमिर खान की फिल्म गुलाम शुरू हो रही थी और इस फिल्म में बॉक्सर विलन के रोल के लिए एक्टर की तलाश की जा रही थी। उस दौरान कोई भी एक्टर इस किरदार के लिए फिट नहीं बैठ रहा था। ऐसे में किसी ने शरद सक्सेना का नाम सुझा दिया। फिल्म के निर्माता मुकेश भट्ट ने शरद सक्सेना की फिल्म बॉक्सर देखी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत शरद सक्सेना के नाम पर अपनी मंजूरी दे दी। गुलाम में बॉक्सर की भूमिका बहुत खास और बड़ी थी, इसलिए एक्टर पैसे भी ज्यादा लेगा। ये सोचकर मुकेश भट्ट शरद सक्सेना से पैसे की बात करने पहुंचे। उधर शरद को पहले से पता था कि मुकेश भट्ट पैसों को लेकर थोड़ा कंजूस है और वह कलाकारों को उनकी मार्केट प्राइस से हमेशा कम ही पैसे देते हैं। शरद सक्सेना ने सोचा कि फिल्म बड़ी है और रोल भी बढ़िया है, अगर पूरी फिल्म के 2 लाख रुपए भी मिल गए तो फिल्म कर लेंगे। लेकिन उन्होंने मुकेश भट्ट से कुछ भी जाहिर नहीं किया। इधर मुकेश भट्ट ने शरद सक्सेना को फिल्म की कहानी और उनका किरदार सुनाया और बोले, ज्यादा तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें इस फिल्म के लिए 6 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। शरद सक्सेना ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए अपने चेहरे की खुशी को दबाया और चुपचाप मुकेश भट्ट के दफ्तर से निकल आए। शरद बताते हैं कि उम्मीद से 3 गुना ज्यादा पैसे मिलने की खुशी वह छुपा नहीं पा रहे थे और आखिरकार अपने करीबी के साथ ये सारी बातें साझा करने के बाद ही उनका मन शांत हुआ। शरद कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और उनको पूरी फिल्म के लिए 6 लाख रुपए भी मिल गए, लेकिन तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया था। शरद सक्सेना के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी शोभा सक्सेना से हुई है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी वीरा और बेटा विशाल। शरद की बेटी वीरा एक सिंगर व एक्ट्रेस हैं और रेस 3, वंस अय्यर व हंटरर जैसी फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।